अरे मैं नहीं जीना चाहूं, मैं इसे आनंद हो कि नहीं जी सकूं। कृष्णा या तो मुझे मार दे या तो मोर लिया इसे कुछ रास्ता बता कि मैं कुछ कर सको। यार मैं इसे जिंदगी नहीं जी सको भाई। ये बहुत तै सुनना ले होगे तुर संग मया, ले होगे तुर संग मया, ले होगे तुर संग मया, ले होगे तुर संग मया। इसी फिल्म में ना, इसी फिल्म में उसका बोलने का अंदाज ऐसा है। मोर नाम है शर्मा सिंह बघेल, मैं परसदा गांव के निवासी हूँ और गांव सरपंच के लंबा मुर्दोस्त थी। मैं जैन घर में नौकरी करे जाता हूँ, कोई दूसरा घर में नौकरी करे पर नहीं आ सके। काबर के मैं अखिल भारतीय नौकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक घर जैन घर में मुझे कदम पड़ गए बाद मरा चला मर जा, कोई नौकर तुम्हारे घर में देखे पर घलो नहीं है। या तो बोला नौकरी में रखो ये जिंदगी भर अपने जूठा बर्तन ला मान जाता रहो। छह महीना ते ना मुला निकाल सकत और ना मैं नौकरी छोड़ के जा सकूं, समझे? फार्म में जाए तो एग्रीमेंट और फार्म में जाए तो नौकरी। जब दोस्ती, जब प्यार अपन दोस्ती ला चुन थे वो प्यार ला छोड़ थे, तब जब मैं अपन डायलॉग बोलता हूँ, आज अगर ते मोर से दूर जाबे तो या तो ते अपन दोस्ती ला चुन दे या तो मुला। अब अगर ते अपन दोस्ती ला चुना था तो आज की बात ते अपन सकल झन दिखा। तो ये आते भी रंग ना मया माँ, आते भी रंग ना मया माँ, I love you। मगन मगन नाचे मन ए प्यारे। तो आप सब जनाओ, दो तारीख को गाना घालो सुनू, फिल्म ला घालो देखू, और फिल्म के नाम है खाटी मितान कृष्णानु। जय जोहार। हमारी जो फिल्म है ये भरपूर कॉमेडी से लैस फिल्म है। फिल्म में दो दोस्त के कहानी दिखाई गई है। जंगली जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म में पारिवारिक प्यार मोहब्बत ये सब कहानी दिखाई जाते हैं। ये सब कुछ हमारे फिल्म में घरों है, लेकिन दोस्ती आई के ऊपर ये जो फिल्म है अपन फिल्म बनाए हैं, जो आज के यूथ है, आज के जनरेशन है, वो इसे अपन जिंदगी में दिखते कॉलेज से निकलने के बाद कैसे जद्दोजहद होते, नौकरी खोजे के बेरोजगारी के मुद्दा का मल्ला कैसे कैसे आगे बढ़ते और ये सबके बीच में अपन जिंदगी ला कैसे आगे बढ़ाते, ये फिल्म में हमने दिखाए हैं। एक संगे संग ये फिल्म में एक बहुत अच्छा सुंदर से लव स्टोरी भी है। दो दोस्त की कहानी है, जिला दो लड़की मन से नया होते वो मनोखर जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते। फिल्म अच्छा से चलते लेकिन फिल्म में एक मोड़ आते जब हमारे जो कृष्णा फिल्म में अनुज के जो किरदार है वो कोई कारणवश अंधा हो जाते, और जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाते तो उसके बाद उसकी जिंदगी कैसे बीतते, वो का करते, खास करके वो उम्र के 22-23 साल के कोई युवा अगर एक संग हादसा हो जाए तो कैसे अपन जिंदगी का एक शेप देकर के एक नवा जिंदगी बनाते चालू करते, ये फिल्म हमारे वो सब दिखाए की कोशिश करे। फिल्म हमारे जो मुख्य किरदार है दिनेश साहू और काजल सोंदे जो आए हैं, और सेकेंड पेयर में अनिरुद्ध ताम्रकार और दिया वर्मा जी हैं। एक संगे संग फिल्म और कलाकार बने जेमन फिल्म में काम करे अभी तो स्वामी जी है, अभी भांगे है, और फिल्म जो है पर पूरा शूटिंग जो है रायपुर भिलाई में हुए हैं। पर 80% शूटिंग जो है वो भिलाई दुर्ग में हुए हैं। भिलाई के जैसे रिसाली हो गए, नेहरू नगर हो गए, बेला चौक हो गए, भिलाई तीन हो गए, पावर हाउस हो गए, दुर्ग के आपके नगर हो गए, जवाहर नगर हो गए, आदर्श नगर हो गए, ये सब एरिया में ये फिल्म हम शूटिंग करे हैं। और आज हम सब फिल्म के कलाकार मन आए हैं, मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। अनिरुद्ध ताम्रकार मोशन मौजूद है, अनिल के सेकेंड लीड हीरो ये है, अनुज के रोल ये करते हैं। फिल्म में काजल सोंदे फिल्म के हीरो है, दिनेश साहू के अपोजिट काजल लीड एक्ट्रेस है, और तरुण सोनी जी है हमारे संग में जो फिल्म के वितरक है जो हमारे संग में मौजूद है, और फिल्म के जो निर्माता है वो हमार दुर्ग भिलाई क्षेत्र के विवेक कंदेले जी हैं। श्री कंदेले फिल्म के बनने वाली फिल्म बने हैं जो दो दिन से आप बन के भिलाई के वेंकटेश्वर टाकीज में रिलीज होते हैं, दुर्ग में कैसे वैसे दुर्ग में रिलीज होते जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं सबसे पहले तो अपन ला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपन कीमती वक्त निकाल के हमारे इंटरव्यू ले पर आए हो, और ये जो फिल्म है वो बेसिकली दो दोस्त की कहानी है, और जो ये फिल्म के जो इर्द गिर्द के जो 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 कहानी रची गई है वो दो दोस्त के बीच में आपस की जो दोस्ती है
फिर प्यार हो जाते, प्यार में दोस्ती और प्यार के बीच में का सामंजस्य बिठाना, फिर अचानक एक हादसा हो जाना, हंसी मजाक में हादसा हो जाना, फिर हादसा के बाद दोस्ती में का इफेक्ट पड़ते, प्यार में का इफेक्ट पड़ते, ये जो सारा चीज है वो आप मतलब एक फिल्म में देखने मिली। ये फिल्म में आप लोग प्यार मिली, दोस्ती मिली, और मैं सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे आखिरी में आप लोग मोटिवेशन मिली। काबर की आज के यूथ जो है बोला, आज बहुत सारा सोशल मीडिया में भी देखा तो कि बहुत सारा मोटिवेशन के जो स्पीच आते हैं, वीडियो आते, ये फिल्म में भी आप मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज मिली जो अभी तक में शायद कोई पिक्चर में ना मिले हो। ये पूरा जो है स्टूडेंट लाइफ में, जैसे 25 साल 26 साल 28 साल से लेकर मन जो आज के नया जनरेशन जो कॉलेज में जाते हैं, वहाँ हंसी मजाक दोस्ती यारी होते, लड़ाई झगड़ा होते, वो सब चीज़ जो है वो एक कहानी से कहीं ना कहीं अपन आप में कनेक्ट करते हैं। बाकी जो फिल्म है और फिल्म के जो कहानी है वो आप मन जब फिल्म देखूँ तो आप मतलब पता चली कि ये फिल्म में का चीज़ है। हमारे पास हम लिमिटेड शब्द में ही ये कहानी ना बता सकते हैं, क्या करके असली मजा जो है वो फिल्म देखे हुए। बाकी हमारे साथ में काजल सोनवर जी, और वो अपन किरदार और फिल्म के बारे में अपन पॉइंट रखते हैं। आप सब चल जय जोहार, मोर नाम काजल सोनवर है, और 2 तारीख को मोर फिल्म आवत है जिकर नाम है खाटी मितान कृष्णा। ये फिल्म टाइटल से ही पता चला थे कि खाटी मितान जो छत्तीसगढ़ी शब्द रही थे बोली रही थी, ऊपर से ही पता चलते कि दो दोस्त के बीच के कहानी है। तो कहानी में कहीं ना कहीं एक प्यार नाम की चीज आती तो कहीं ना कहीं आप दोस्ती खत्म हो जाते प्यार की वजह से। तो ये चीज में भी बहुत अच्छा से बताया गया कि कहीं ना कहीं दोस्ती ज्यादा इम्पोर्टेंट रही थी ना कि प्यार। तो एक वजह से मोर कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट रही थी, अगर मैं बीच में नहीं आती तो दोस्ती ला शायद इतना क्लोज नहीं बता पाते। तो ये फिल्म में मोर पायल नाम के कैरेक्टर में प्ले करे हूँ, और ये फिल्म के डायरेक्टर है अनुपम भार्गव सर, और मोर अपोजिट में दिलेश साहू जी, अनिरुद्ध ताम्रकर, दिया वर्मा। हमारे मन के फुल कॉमेडी फिल्म है ये है, और कहीं ना कहीं आप मतलब रोमांस भी मिली कॉमेडी सीन में, इसे भी है कि प्रॉपर दिलेश और कॉमेडी सीन के एक्शन है एक मन के दिलेश और एक, तो ऑल ओवर पूरा फिल्म पैकेज है। आप मन जब भी फिल्म ना देखे पर जाओ तो आप मन के पैसा वसूल है, और हंस हंस के आप मन लोट पोट हो जाओ। तरुण सूरी जी हमारे संग में है, फिल्म रिलीज कैसे होते, कहाँ कहाँ रिलीज होते, जानकारी आप। जय जोहर, आप सब पत्रकार मन ला, अपन कितनी समय निकाल करके आप मनाए हो हमारे फिल्म के बारे में हमारे मन से चर्चा करे बस एक मन के लिए, ये बात के लिए आप मन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विवेक कंदेले जी हैं दुर्ग भिलाई से ही, जो ये फिल्म के निर्माता हैं, श्री कंदेले फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्म बने हैं। एक फिल्म ला बनाए से लेकर के फिल्म ला रिलीज करे के दौरान एक निर्माता ला, एक निर्देशक ला, फिल्म के कलाकार ला, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर मन ला बहुत सारा तकलीफ परेशानी आते, और बाद दर्शक मन के बीच में पिक्चर है पर्दा में आते, वो जो चीज़ होते ना फिल्म चालू करे से लेकर फिल्म रिलीज के दौरान में एक बहुत जटिल कठिन प्रक्रिया टाइप से है। ये फिल्म जब बॉलीवुड में बनते तो अगर बजट रही थे 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, साउथ के इंडस्ट्रीज में जब बनते, ये फिल्म ला आज कंदेले फिल्म प्रोडक्शन हाउस और अनुपम भार्गव जी ये फिल्म ला 25 से 50 लाख रुपए में तैयार करे, जो एंटरटेनमेंट 25 करोड़ 50 करोड़ वाले फिल्म मन आज दे नहीं पाते, हिंदी फिल्म वाला मन वो फिल्म 25 लाख 50 लाख रुपये बन करके तैयार होकर छत्तीसगढ़ी फिल्म दर्शक मन के बीच में आए। तो मैं आप मन के माध्यम से दर्शक मन के बीच में बात ना पहुँचाना चाहता हूँ कि भिलाई के श्री वेंकटेश्वर डाके श्री वेंकटेश्वरा में लगा थे हमारे फिल्म के सेरा मल्टीप्लेक्स दुर्ग में लगा थे, तो ये फिल्म लाओ देखो, बहुत एक मैसेज है फिल्म के अंदर में, बहुत मनोरंजक तरीका से 2 घंटा सवा 2 घंटा के फिल्म हरे बहुत मनोरंजन तरीका से बनाए हैं अनुपम भाई और विवेक कंदले जी फिल्म ना। तो आप मन के द्वारा मैं दर्शक मन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिल्म लाए और सिनेमाघर में देखे, बहुत मनोरंजन है फिल्म में, मजा आई आप मन ला फिल्म देखे। ऐसा क्या किया है आपने कि बॉलीवुड की फिल्म को टक्कर देने की आप दावा कर? नहीं, बॉलीवुड की टक्कर दे के दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोला था कि जो मनोरंजन हो 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए लगा करके फिल्म बनाते होकर मन के फिल्म चल नहीं पाते। मैं फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा हूँ, मेरे पास में अभी जो साल भर में जितने भी फिल्म आए, जैसे आप एक भूलभुलैया 2022 में जो रिलीज हो रही है, भूलभुलैया 2, KGF Chapter 2, और ओखर बाद में RRR और Drishyam 2, ये 4 फिल्म ना छोड़ दो, ओखर अलावा जितना भी 20-22 फिल्म हमार पिछले साल छत्तीसगढ़ी के आई, और दर्शक के पैमाना देखूँ तो दर्शक की गिनती हमार फिल्म में ज़्यादा है छत्तीसगढ़ी में, चाहे वो मिस्टर मजनू की बात करो, चलट कुनो देखली की बात करो, लव लेटर की बात करो, या जो भी पिछले साल जो छत्तीसगढ़ी फिल्म आए, और हिंदी फिल्म के दर्शक के जो संख्या अगर अपन देखो तो जैसे देखा तो 30,000 दर्शक अगर ओला देखे
हिंदी फिल्म ला कहीं पे मान लो बिलाई में तो छत्तीसगढ़ी फिल्म ला 60,000 दर्शक देखे काबर की ओखर मन की टेरिटरी ओवरऑल इंडिया है हमारे मन के टेरिटरी छत्तीसगढ़ भर है रे हमारे मन के पास में 40-45 सेंटर है फिल्म के लागत निकाले के लिए ओखर मन के पास में 5,000-10,000 स्क्रीन है एक और कैसे वो डिफरेंस दिखते अगर दर्शक संख्या की बात करूँ तो आप छत्तीसगढ़ी फिल्म ला हिंदी के अपेक्षा दर्शक ज़्यादा मिला थे आप इंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं आप दोनों कुछ ऐसा डायलॉग मारो कि पत्रकार भी हंसते हैं तब तो समझ में आएगा कि आप फिल्म में इंटरटेन हैं इसीलिए तो फिल्म बनाते हैं ना सर कि आप फिल्म देखते नहीं नहीं एक ऐसे एक दो डायलॉग तो सब देखते हैं वो दिखाते हैं और अभी नहीं नहीं जो करेक्टर दोनों बोले ना तब तो और क्या दोनों करेक्टर आप ही है गांव का है वो अखिल भारतीय नौकर संघ का प्रदेश अध्यक्ष तो इनके घर में नौकर बन के आता है इसी फिल्म में ना इसी फिल्म में तो उसका बोलने का अंदाज ऐसा है मोर नाम है शर्मा सिंह बघेल मैं परसदा गांव के निवासी हूं और गांव सरपंच लमडा मुर्दोस्त मैं जैन घर में नौकरी करे जाता हूँ कोई दूसरे घर में नौकरी करे पर नहीं आ सके काबर के अखिल भारतीय नौकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ एक हाँ जैन घर में मुझे कदम पड़ गए मरा तुला मर जाओ कोई नौकर तुम्हारे घर में देखे बर घलो नहीं है या तो बोला नौकरी में रखो ये जिंदगी भर अपने जूता बर्तन ला मान जाता रहो सर ऐसा है हम लोग का डायरेक्ट जो है ना थोड़ा सा हाई पिच का है नहीं नहीं बोल सकते मेरे कैरेक्टर में एक्चुअली मैं अंधा हो जाता हूँ तो थोड़ा सा सब तरफ अंधेरा अंधेरा रहता है मैं अंदर से टूट जाता हूँ तो एक डायलॉग है जब मैं गिर जाता हूँ तो जो आपने उसमें भी देखा होगा क्या बोलते हैं यूट्यूब में जो ट्रेलर डाला है उसमें जो है उसमें डायलॉग है वो अरे मैं नहीं जीना चाहूँ मैं इसे अंधा हो कि नहीं जी सकूँ कृष्णा या तो मुझे मार दे या तो मोल लिया इसे कुछ रास्ता बता कि मैं कुछ कर सको यार मैं ऐसा जिंदगी नहीं जी सको भाई ये बहुत काजल जब दोस्ती जब प्यार अपन दोस्ती ला चुनते वो प्यार ला छोड़ते तब तब मैं अपन डायलॉग बोलता हूँ आज अगर ते मोर से दूर जाबे तो या तो ते अपन दोस्ती ला चुनबे या तो मोला अब अगर ते अपन दोस्ती ला चुना थस तो आज की बात ते अपन सकल झन दिखाबे तो ये मोर छोटे से डायलॉग है बाकी पिक्चर में एक से डायलॉग आप मतलब सुनी पर मिली अच्छा बाकी इतनी पूरी यही प्रोसेस हुई छत्तीसगढ़ी जी और इसके गाने वगैरह रिकॉर्डिंग सब सब यही छत्तीसगढ़ अब हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी है यहाँ पर फिल्म मेकिंग इंस्ट्रूमेंट से लेकर लोकेशन शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ यही होता है सिर्फ सेंसर बोर्ड का ऑफिस यहाँ नहीं है नहीं तो हम लोग सेंसर भी फिल्म नहीं करा दिए रहते हैं छत्तीसगढ़ में काफी डेवलपमेंट हुआ है फिल्म की जो मेन जान होती है वो एडिटिंग है जी एडिटर ही उसका मेन क्या फिल्म में कैसे प्रोमो क्या सारे फिल्टर तो यहाँ की हम इस मूवी में क्या नया देखने मिलेगा वही पुराना या बॉलीवुड स्टाइल का कुछ नया कुछ ऐसा नया आपको नयापन इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ गांवों में बसता है गांवों में भी बसता है लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े शहर भी हैं जहाँ पर अर्बन लोग रहते हैं जो छत्तीसगढ़िया लोग गांव से शहर में आकर बस चुके हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है वो हम लोगों ने इस फिल्म में दिखाया है ये पूरी पारिवारिक फिल्म है पूरी पारिवारिक फिल्म पूरे परिवार के साथ बचपन से बचपन तक सब देख सकते हैं ये मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा जैसे कि आप तरुण भैया से सवाल किए थे कि बॉलीवुड के टक्कर देखिए हर फिल्म का अपना एक रेंज होता है पहले साउथ की फिल्म को वैल्यू नहीं थी आज फर्स्ट नंबर पे साउथ की है भोजपुरी कोई देखना नहीं चाहता लेकिन आज लोग देखना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ का भी स्थिति थोड़ा सा अभी ऊपर आ रहा है दूसरी चीज़ क्या है हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं बस ये है कि दर्शक के ऊपर डिपेंड करता है कि दर्शक हमारी फिल्म को कितना देखते हैं कितना देखते हैं अब रही बात बजट का आप किसी भी फिल्म को देख लीजिए चाहे बॉलीवुड की भी फिल्म देखें या किसी भी फिल्म को देखें बजट आप करोड़ों अरबों का रख लो लेकिन जब दर्शक ही नहीं देखेंगे तो उस अरबों का क्या मतलब है हमारी इंडस्ट्री का स्थिति यह है कि बजट भले हमारी कम रहती है लेकिन दर्शकों का प्यार बहुत ज़्यादा रहता है तो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि हमारे दर्शक जो हम जो हमारे करीबी हैं चाहे मैं मेरे कास्ट के हो मेरे वर्किंग एरिया के हो वो अगर आके हमारी फिल्म देखते हैं तो हमारे लिए वो प्राउड मोमेंट होता है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है कि सबसे पहले हमारा जो प्रोड्यूसर है जो इतना हिम्मत करके ये फिल्म बनाए हैं उनका लागत निकल जाए
फिर उसके बाद जो होगा वो तो भाई भगवान का आशीर्वाद है। बाकी हमारा इंटेंशन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम जो फिल्म बनाए लोगों को पहले पसंद आए, तो पहला हमारा जीत ये हुआ। दूसरी जीत ये होती है कि हमारे प्रोड्यूसर का पैसा जो है वो रिटर्न आ जाता है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनकम होती है उसके लिए तो हम भगवान को और ज़्यादा धन्यवाद देते हैं कि हाँ भाई चलो अब हम एक सफलता की श्रेणी पे आ गए। तो बजट का लोगों के प्यार से तुलना करना बिल्कुल गलत है। तो बजट कम बजट में भी आदमी अभी अभी जो फिल्म चल रही है वो भी उसका बजट अपने से दुगुना कमा चुकी है, जबकि उसके अगेंस्ट में एक हिंदी फिल्म भी चल रही थी और एक इंग्लिश फिल्म भी चल रही थी। लोग इंग्लिश फिल्म तो देखने ही नहीं जा रहे हैं और जो हिंदी फिल्म चल रही है उसमें भी संख्या आधी है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी जो फिल्म का जो चल रहा है उसमें डबल इनकम हो गया है, जो उनका लागत था उससे डबल। तो कहीं ना कहीं लागत मायने नहीं रखती है, आपके दिल को छूना चाहिए। आप अगर जनता छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में टच कर दिए तो आपकी फिल्म सफल है। ये है सब नहीं सर, हम लोगों ने सबने अलग अलग बहुत सारी फिल्में की है, जैसे अनुपम भार्गव भाई अपना बता देंगे। हिंदी कौन कौन सही है? हिंदी मिशन छत्तीसगढ़ और द टॉक्सिन। और पिछले महीने मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिमी कांदा छत्तीसगढ़ी, और उसके पहले दिसंबर में साथी रे फिल्म में मुलाकात की थी। मतलब टोटल 13 फिल्में अभी तक आ गई। शाम को चले चलो, शाम को सबसे बड़ी। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको जी। मेरा ये चौथी फिल्म है और मैंने काफ़ी सारे वेब सीरीज बहुत सारे एल्बम किए। एक शॉर्ट फिल्म शोध जो शशि मोहन सर के साथ मैंने किया था वो सेकंड विनर भी रही है छत्तीसगढ़ में, और बहुत अच्छा शशि मोहन सर के साथ मैंने किया था। इसके अलावा मैंने चार फिल्में की हैं और एक वेब सीरीज है जो काफ़ी पसंद है, तो ये मेरी चौथा वेब सीरीज है जो आपको यूट्यूब में भी मिलेगा, और कुछ दो फिल्में जो है वो भी यूट्यूब में नेक्स्ट मंथ और उसके नेक्स्ट मंथ में आने वाली है। बाकी काजल आपको आ गया। मेरी ये दूसरी फिल्म है रिलीज पे, पहली फिल्म थी दुल्हन पीएल की जो 26 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी, और अभी ये मेरी दूसरी फिल्म है खाटी मिताली कृष्णा, और आगामी और फिल्में रिलीज होने को जब अभी चल रही है जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इस फिल्म को बनाते वक्त ऐसा कोई पत्थर का नाम पत्थर का नाम पत्थर का नाम पांच ग्रामीण हमारे कुछ सूट में जाता तो पूरा लाभ लक्ष्य सिक्योरिटी अपन लेके जाता है, तो वो सिक्योरिटी वाला मन से बहस हो गई। तो ओमन बोली की तुम्हारा अभी का अमन पूरा गांव वाला मतलब बोला आते नहीं सकते खेल का, वो अमन स्थिति में समझ के यथा संभव जो हो सके शूटिंग करें और फिर यहाँ ले निकले। खबर के हम आपसे बात भी कोई करना नहीं चाहे, पर मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आज तक हम जब तक फिल्म की शूटिंग करें कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, फर्स्ट और लास्ट वीक अभी तक इंसिडेंट ये सब हो रही थे। बाद में पता चली इसके ऊपर स्मेल फाइबर आए तो ओपन के टाइम रही थे तो वो हमें शूटिंग कराते हैं डिस्टर्ब हो गए। एक शराब बंदी जरूरी है, शराब बंदी जरूरी है जी। लोग पीना छोड़ दे शराब बंदी सिर्फ ये नहीं कि आप दुकान बंद कर दो, गुजरात में दुकानें नहीं बंद है लेकिन फिर भी वहाँ शराब मिलती है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि शराब पीने वालों कोविड नहीं हो रहा तो उन्होंने भी बंद नहीं किया उसको।